में पढ़ोगे मदीने से जवाब मिलेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबी या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जिसको मैं अल्लाह ने जुबान दी है वो झूम के करीम की बारगाह में दुरूद पड़ेगा, जो जमादुल गुंगा बैठा है वो चुप रहे, जिसको मेरे अल्लाह ने जुबान दी है वो पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबी या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहबाब की एहतिशाम नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। अहबाबे इख्तिशाम के इल्हाम करीम छिप, मोहब्बत वाला जुमला है, कोई बंदा खामोश ना बैठे, अगर मुझे सुनना है हजूर ताज दारा चूरा शरीफ के दरवेश को सुनना है तो सखी बन के बैठ, सखी बन के बैठ। सखी किसको कहते हैं? सखी किसको कहते हैं? जिसके पास दौलत होती है मैं उसको सखी नहीं कहता, जिसके पास पगड़ा होता है मैं उसको सखी नहीं कहता, बल्कि जहरा के पापा फरमाते हैं जब मजमे में बैठकर सुभान अल्लाह कहता है वो मजमे का सबसे बड़ा सुखी होता। बस एक बार तो फिर बोल सुभान अल्लाह। कहीं बख्शिश घटा है अरे बाबा, इल्हाम करीम छिम कहीं बख्शिश की घटा है, अरे ये दिल का नगर है जो मदीने की। इल्हाम करीम छिम, इल्हाम करीम छिम कहीं बख्शिश की गजा है, अरे क्या दिल का नगर है के मदीने की फजा है, अरे सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, अरे कलियों के कतारों में तेरा नाम लिखा है, अरे सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कतारों में तेरा नाम लिखा है, और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बस सूरज को। और कल बरौदे महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे, जब बरौदे महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे और यकीन जानो सबसे पहले बिलाल का इंतजाम होगा, यकीन जानो सबसे पहले बिलाल का इंतजाम होगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, सरकार आदम अलैहिस्सलाम से पहले मेरे नबी ने फरमाया वहाँ अब्दुल से पहले बिलाल जाएगा। कहा हजूर मूसा की माँ को हसन से पहले, हुसैन से पहले, सैयदा कायनात से पहले मेरे नबी ने फरमाया हाँ सबसे पहले बिलाल जन्नत में जाएगा। सहाबा ने अर्ज की हाथ बांधे या रसूल अल्लाह बिलाल आपसे भी पहले जन्नत में जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया हाँ मुझसे भी पहले बिलाल जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह कैसे? मेरे नबी ने फरमाया, अकीदत का जुमला सुनिएगा मोहब्बत के साथ वसूल कीजिएगा, मेरे नबी ने फरमाया कि सवारी के ऊपर मैं सवार होऊंगा, उस सवारी की मुहार बिलाल के हाथ में, सूरज को अरे सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है, बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है। और ऐ गुम्बद खजरा के मकी मेरी मदद कर, ऐ गुम्बद खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर यही बता कौन मेरा तेरे सिवा है, या फिर यही बता कौन मेरा तेरे सिवा है। इल्हाम करीम छिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है के मदीने की हया है। याराने मोहब्बत सिलसिलाए सनाए मुस्तफा रवा रवा कशां कशां हिजर की मंजिलों को तय करता हुआ
मेरे साईं की तरफ रवा है। इश्क क्या है? रहमते रब्बे अजीम। इश्क लिखा हुआ देखा है कभी? इश्क की तरफ देखो, रहमत रब्बे अजीम उसका करम हो तो ही इश्क मिलता है, वरना इश्क तो कहता है कि जो मेरी तरफ देखेगा ऐन की कौस की बंद गली है, ऐन की कौस की बंद गली हो। यहाँ से गुजर गया, आगे शीन ने कहा मेरे दांतों पे ही चढ़ेगा ना, आ तुझे रंदता हूँ, आ तुझे रंदता हूँ, रंद के प्लेन रखता हूँ। कोई 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 मासूम हाथ फेरेगा ना, तो पंजाबी च कहते ना रंग नहीं लगा, ऐसा रंदा फेरा ना शीन के दंदियां दा रंग नहीं लगा। फिर काफ के चक्कर, काफ के चक्कर जो इन तीन मनाज़िल से गुजर गया, काफ की उल्टी, काफ की उल्टी कौस का पैमाना भरा है इश्क मुस्तफा से। लगा लबों से अमर हो, लगा लबों से अमर हो जा। इश्क क्या है? रहमत रब्बे अजीम। इश्क क्या है? जलवाए हुस्ने कदीम। इश्क क्या है? हर दम तसव्वुर जमाल यार। इश्क 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 क्या है? हर पल इश्क क्या है? हर दम तसव्वुर जमाल यार। इश्क क्या है? हर आन सिर्फ ख्याल यार। इश्क क्या है? हर आन सिर्फ ख्याल यार। इश्क में आजिज़ी भी है इंकसारी भी, इश्क में खुशी भी है रोना भी बेकरारी भी, इश्क में खुशी भी है रोना भी बेकरारी भी। इश्क खुद तो कंसियन मक्सियन की दास्तां पूरी, इश्क खुद तो कंसियन मक्सियन की दास्तां पूरी। क्या क्या है इश्क? इश्क क्या है? हम फलो खलक अल्लाह याराने मोहब्बत, याराने मोहब्बत आपको आपकी समातों को इश्क के दबरेज का सिलसिला चाहता हूँ। अब हम वो कलाम सुनेंगे जो किसी 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 आम आम शख्स का नहीं है, वो उनका है कि जिनके लिए मेरे नबी ने कहा ऐ अब्दुल रहमान मेरे शहर में मत आना। आप इश्क की तशरीह ताकि समझ सको, वो बंद गली, वो इश्क के दांते, वो काफ के चक्कर। फिर क्या होता है जब इन मंजिलों से गुजर जाता है अब्दुल रहमान जामी? मेरी सरकार कहते हैं अब्दुल रहमान जामी मेरी कब्रे अनवर पे मत आना। आप इश्क के उस मकाम पर फायज हो, उस मकाम पर फायज हो कि मुझे हद शरीयत तोड़कर कब्रे अनवर से बाहर आकर आपका इस्तकबाल करना पड़ेगा। यारे मोहब्बत उस कलाम के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद नई मुजद्दिदी साहब को, जो हर साल कराची से तशरीफ लाकर बड़े से अफसर भी हैं हमारे पास इत्तेफाक करते हैं। मेरी मुराद मोहम्मद नई मुजद्दिदी साहब। Oh,
मेरा साईं हुण
ही तो बद मैं कड़े लफ्ज कहने वे कि जिन दे नाल मैं दा दिल धक धक कहता है ना उस धड़कन दी धक धक दे मालिक मैं आदा हां कि तशरीफ घिना वे असां दे कन्ना को मैं इश्क न लभे सा سلام عليك يا حبيب الله एक बार लगना
दिए जाते पात पल मिनता करे सो सोना घन पात पल मिनता करे सो सोना सोरी सो दे जाते मैं गाड़िया सिखाते दोना हितवारि लगना तू साजी जाते साईं के शम्मा रूप चेहरे से जिया पाने वालों पर हाल है। साईं के शम्मा रूप चेहरे से जिया पाने वाले पर हाल है। सुनो कि अब वो जो हिजर वालों के हाँ नहीं पहुंची वो बात तो पहुंच गई है। हम उस एज पे पहुंच गए हैं कि जहां समातों के दरमियान और साईं के पास के दरमियान जो हिजर था ना अब उसके दरमियान सिर्फ मैं हायल हूँ। अब उसके दरमियान मैं हायल हूँ मगर मेरे दिल में वक्त तो आपकी बात करता रहा हूँ। साईं से पहले मेरा दिल होता है कि थोड़ी सी अपने दिल की बात भी करूं, अपने दिल की बात भी करूं। वो कुछ यूं है कि दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू है। दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू है। आंख से भी चीज ओझल हो जाती है, दिल से निकल भी जाती है, मगर जिगर में अटकी हुई चीज जान लिए बगैर नहीं छोड़ती। दिल जिगर में अटकी हुई चीज जान लिए बगैर नहीं छोड़ती। तो मैंने कहा दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा और कोई आरज़ू रहे। दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा ना और कोई जुस्तजू रहे। हसरत यही रहे और ये जुस्तजू रहे, नजरें जिधर उठाऊं उधर तू ही तू रहे। नजरें जिधर उठाऊं उधर तू ही तू रहे, इसके इसके सिवा इल्तजा ना इसके बाद कोई इल्तजा। अरे मेरा सनम हमेशा मेरे रूबरू रहे, इस इल्तजा के बाद नहीं और इल्तजा। अरे मेरा सनम हमेशा मेरे रूबरू रहे। और अब बेकरार रूहों को करार बेताब दिलों को ताब देता हूँ, मैं शहंशाह खिताबत को दावत खिताब देता हूँ। महीने वसल के घड़ियों की सूरत उठते जाते हैं मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। यारा महीने इस महीने का इंतजार करांगे ते यारा महीने ते 26 दिन इस रात का इंतजार करांगे और जिन्हों उड़ीक उड़ीक के कर्माली आई है लगता पता ही नहीं पे कि लगती जा रही है।
घड़ी दी सुई तेजी नाल अपनी मंजिल दी तरफ रवां दवां है। तो मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता चूंकि इंतजामी अमूर चर्चल होगी और बिलखसूस आज ही भाई गुलाम हुसैन साहब और अरशद साहब खुशी मोहम्मद भाई तारिक जार साहब दीगर अहबाब मोहम्मद सिंधी एंड कंपनी सारे भाई मोहम्मद हुसैन महसूस करेंगे कि सब वक्त लंगर खुआन का घट मिले लिहाजा मैं मुख्तसर इन्ना कहना अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलाम अला इबाद हिंद अजीन अस्तफा अम्मा बाद औजु बिललाहि समीउल अलीम वसुल्तानिल कदीम मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युदिलो भी कसीर वयादी भी कसीरा قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوستان عزیز تشریف آور احباب محبت میری کرم فرما میری قابل تعریف تکریم و تعظیم میری بیٹیاں میری بہنیں معزز جمیع سامعات و سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات حاضرین و حاضرات جمیع احباب محبت احبابان ذی وقار اج دی مقدس اج دی محفل مبارک لیلۃ القدر جڑی عظمت والی رات ہے بخشش والی رات ہے پیار والی رات ہے نجات والی رات ہے اکان والی رات ہے عرفان والی رات ہے فیضان والی رات ہے اودی پہچان والی رات ہے انج لگدا ہے جویں لیلۃ القدر دی رات ہے میرے دوستاں نے گرامی اے او رات ہے نزول قران دی رات کما بخشش دی رات کما نجات دی رات کما قرب الہی دی رات کما وصل دی رات کما وصال دی رات کما قرب دی رات کما وصل دی رات کما بخشش دی رات کما یا بخشش دی رات دی بخشش دی گھات کما ایڈی میٹھی رات جڑی نیند نہیں آتی اور اے او رات ہے جس کو سحر سجدہ کرتی ہے سحر جس کو سجدہ کرتی ہے وہ آج کی رات آج سورج چڑھے گا تینو سجدہ کر کے چلے گا ایسی کرما والی رات ہے میرے دوستاں نے گرامی خالق کائنات نے دے محبوب دل نواز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا تے دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اپنی آن اور میرے دوستاں نے گرامی لمحہ فکریا میرا سکھ نے موضوع آیت تے پوچھی ہے یبلو بھی کثیر و یادی بھی کثیر پہلے علم حیران ہوئے ہوں گے اس آیت دا اس رات نال کی تعلق ہے لیکن دوستو بڑا ڈاڈا تعلق ہے الحمدللہ تعالی میرے دوستاں نے گرامی میرے کائنات دے تاجدار سید الابرار احمد مختار نور الانوار رب دے مٹھڑے یار رب دی تخلیق دا شاہکار رب دی تخلیق دا شاہکار نہیں کیا میں سمندراں دا رب نہیں کیا میں دریاواں دا رب نہیں کیا میں پہاڑاں دا رب نہیں کیا میں پتھر دی جرم دا سختی دا رب میں زمین دی نرمی دا رب میں دریا دی روانی دا رب میں خواتم آسمانی دا رب میں گل گلو تر دا رب میں سردار دا رب میں لیلو نہار دا رب میں پستی پہاڑ دا رب میں خزا پہاڑ دا رب میں دریا دی لہراں دا رب میں دریا دی روانی دا رب میں خواتم آسمانی دا رب میں مشرق دا رب میں مغرب دا رب میں شمال دا رب میں جنوب دا رب میں ستارے دا رب میں جبرائیل دا رب اسرافیل دا رب عزرائیل دا رب میں حورا دا رب میں آسمانا دا رب میں فرش دا رب میں عرش دا رب نہیں کیا فرمایا میں او رب ہاں جڑا مصطفیٰ دا رب میں عرض کیتا ہے کائنات دی کسے شے دا کمال نہیں بیان کیتا پہچان کر دی ہے او یار یار کر میں مصطفیٰ دا رب اس مصطفیٰ نے اپنی زبان دل نواز جو حالانکہ رب کی زبان نہیں کلام ہے چاہے حیرت ہے کلام بنا زبان کلام بنا زبان اے مولا کائنات کلام کی تیا زبان اگر تن نہ نظر آوے تو میں کی کر مولا کائنات کے میں اچھا تین نہیں پتہ لگتا کلام تو بغیر زبان تو نہیں گل بن دی اگر میں زبان کی تیا ان اللہ علیہ کل شہن قدیر قادر مطلق ہے لیکن تو سمت تو پاک ہے جہن تو پاک ہے وجود تو پاک ہے سمت تو پاک ہے لیندی چندی تو پاک ہے آئین تو پاک ہے چیستی چاہے جرابے بندہ چوڑائی تو پاک ہے کھان تو پاک ہے پیر تو پاک ہے اٹھر تو پاک ہے سبیٹ تو پاک ہے کھان تو پاک ہے پیر تو پاک ہے ربے کا باہ تے فرما جو میری زبان ہے کیا کیا ہے نا
है तो बखाओ कितने जे आख्यात तेरे नजर नहीं आती मेरी जबान मैं मुस्तफा के मुंह विच रखी हुई मैं दहने मुस्तफा च रखी है मैं जबान क्यों आखा मैं इस तरह चली है मुस्तफा के मुंह विच जदे ओनू लोड़ पवे ते ओ मरत लवे मैनू लोड़ पवे ते मैं मरत लवांगा मैं को अदर मैं मेरे दोस्तां ने ग्रामी मेरे मुस्तफा करीम ने कहो मैं पिंडा साबित होता है यदुल्ला नहीं अल्लाह दा हाथ सिबतुल्लाह अल्लाह दा ड्रम इस वजह तो करके ये फलसफा कभी फिर जिंदगी छेड़ांगा अल्हम्दुलिल्लाह तआला इन ते नजर रखना एने इल्मो हाल ने की कुछ किया लेकिन मेरे दोस्तों ने ग्रामी कायनात दे फायदा जेड़ा सैयदी सैयदुल अमीन रहमतुल्लाह रजीअल्लाह अलैहि सलाम ने इस जुमला ने नवाज किया मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं एक कुरान एक अपनी आल कुरान मुकम्मल है अकमल है किसी शहर की जीरो जबर की लोड़ नहीं लेकिन आल आल ए मेरे गुलामों कुरान ते मेरी आल का दामन पकड़ के रखना कुरान ते मेरी आल का दामन पकड़ के रखना मेरे दोस्तों जाए तवज्जो है तुम्हारी कि कुरान ते होंदिया आल दी की लोड़ कुरान हरफे आखर है कुरान अकमल मुकम्मल है ज़ात हयात है मायारे हयात है निजामे हयात है असूले हयात है कानूने हयात है महासले हयात है कलामे पाक है ऐब तो पाक है रैब तो पाक है उस मुकद्दस किताब दे हुंदिया मेरे कायनात दे नबी ने फरमाया मैं आल छोड़ के जा रहा सैयदी या रसूल अल्लाह आल फरमाया इसको कुरान चुप है जे दिलों पे ही कसीरों भैया भी पे ही कसीरा कुरान चुप है जे बूटा कोई तर्जमा करे ते कुरान नहीं बोलेगा जे को गुस्ताखे रसूल कलमा का तर्जमा करे ते नहीं बोलेगा जेड़ा कोई अपनी मन मानी ना अपना तर्जमा करदा लगा जाए कुरान बोलन नहीं लगा चुप रहेगा कोई तर्जमा लकद नसरकुम अल्लाह बे बदर व अंतुम अज़िल्ला कोई ओदा तर्जमा करदा है आंदी रिकॉर्ड तसीरा मौजूद ने लेकिन बद नसीब ने तर्जमा किया ऐ मोहम्मद मकामे बदर पे तुम जलील होने के करीब थे मैंने तुम्हें फतह दी और मेरे नबी का गुलाम पे तर्जमा करदा है ऐ प्यारे मुस्तफा आप अफरादी कुवत के लिहाज से कितने कमजोर अफरादी कुवत के लिहाज से आप कमजोर थे मैंने आपका फतह नुसरत से नवाजा और क्या मैंने वहां को फतह के लिए फरिश्तों की बात नहीं भेजी ये तर्जमा जेड़ा करेगा वो करता चला जाएगा लेकिन कुरान अपनी नफासत की वजह ना अपनी लताफत की वजह ना ये बोलना नहीं लगा ते मेरी आल जिथे कोई डंडी मारने लगा मेरा हसन बोल पाएगा मेरा हुसैन बोल जाएगा अली अकबर जो बोल जाएगा अली असगर बोल जाएगा जिसका रुख कुरान का तर्जमा कुरान का मकसद कुरान का मकसूद कुरान का पैगाम कुरान का पैगाम मोहब्बत कभी भी मेरी आल नहीं बदल पाएगी यार सुन ला मेरी आल मैं आल तो बाद मेरी आल के नौकर जे देता हूं मेरे नबी की आल और ओदे नौकर जिंदा रहेंगे कुरान ने फरमाया जो दिलो भी ही कसीर भैया भी ही कसीरा कुछ कुरान पढ़ के राय रास्त पे आ जाएंगे कुछ कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएंगे इसका तर्जमा है जो दिलो भी ही कसीर भैया भी ही कसीरा हुन इहदे उत्ते क्योंकि साल बाद इकट्ठा होना होंदा है अरबी लवल शिक ते इस रात ते मोहब्बत दी गल करो रमजान दी जक्से साडे बंदे शिकार होंदे ने फलाने को टूर चलिए नबी पाक नाल ओदी अकीदत ते नहीं पर कुरान दे पिछे ही नमाज पढ़नी है ना कुरान ही पढ़ेगा मेरे दोस्त बुरा ना मना कुरान दे पिछे नमाज नहीं जिदे पिछे पढ़न लगे मैं रमजान शरीफ आ गया ते दखन दे कोले पिंडे जाणा उथो प्रोफेसर साहब साडे गुलाम सरवर साहब तशरीफ लाए बैठे होर दोस्त है बाबे मोहब्बत हलका बिना कलीफा नाइन साहब खुदा सब अति करे बाबे मोहब्बत मैं गखड़ जान लगा जोड़े मेरे घर वाले मेरी अम्मी जान किबला कहन लगे शाजी चले हो मैं कहा हुजूर ते ए रमजान आ गया जरा घ्यो वाला तीन रख लो ते देसी घ्यो ले आ साडी बाजी लोहरा नु अल्लाह सलामत रखे इहने जनाब काल की थी मैं निकलना सी ए गई ते घ्यो वाला तीन भुल गई ते मिट्टी दे तेल वाला खाली तीन चुक लिया गल अकल कबूल ना करे मैं जवाब दे
तीन आ गया, मैं भी ना तवज्जो दी, गड्डी रखे टूर गए जोड़े यार। भैन साड़ी फोत हो गई है, मैं ओनू जनाबे बंदा क्या, मैं क्या मैं बीबी है मैं ते होल करो, बड़ा वाफर पिंड सी ओदे जना बंदा 15 मिनट लाए आनू शानू विच नहीं सर पाण दा रिवाज आया वो उबाल के या जना बंदा डालडा छड़दा ओ के ओ आ गया फर्स्ट क्लास। सुबह सवेरे जनाब दो दिन गुजरे रमजान आ गया, इसलिए सुबह सवेरे पराठियां पक्कियां बड़ियां जनाब जबरदस्त, जना बंदा बड़ा आला ते अल्फा ते खूबसूरत देसी खुशबूदार ते मजेदार ते जायकेदार दासी, पर ओदे काम पुठा कर छड़िया जिन्हें पराठी खाधी अद्धा घंटा गुजरिया घंटा ते जना बंदा कोई शैंक ते उल्टियां पिया करे, कोई वाशरूम में उल्टियां पिया करे, कोई इधर उल्टियां पिया करे, कोई उधर उल्टियां पिया करे, अजीब हाल मच गया घरे। मैं हैरान हो गया, मेरी अम्मी जान कितना परेशान हो गए, आखिर लगे वजह की है, मैं क्या पता नहीं मैं ते देसी क्यों, आपको ख्याल आ गया मेरे किबला आलम अम्मी जान फरमान लगे नहीं जोरी है जी जाके वे तीन केड़ा देते तीन केड़ा देते अजुंदा खातर मेरी वो बहन आ गई कहने च है आई तक लगी अम्मी जान गलती हो गई है, मैं जल्दी में घ्यो वाला टीन नहीं दिता, मैं मिट्टी के तेल वाला दिता पर खाली सी खाली सी सिर्फ घ्यो बिच गया टीन खाली सी पर घ्यो गया केड़े टीन विच जेड़ा मिट्टी के तेल वाला ते मिट्टी के तेल वाले खाली टीन विचो देसी घ्यो मुड़ के आया ते रोटी ने बदसनी कर छड़ी ते कुरान कुरान है पर जे नबी ने गुस्ताख दिल ते जबान चो निकले, नबी ने गुस्ताख दी जबान चो निकले यू दिलो में ही कसीरम भैया बीबी ही कसीरा फिर तू गुमराह हो जाएगा जरा अकबे के बशरुल मिसलुकुम और कुरान ने बशरुल मिसलुकुम तेरे बशरुल मिसलुकुम दी आयत याद आती है जब जाकु मिनल्लाह नूर व किताब मुबीन याद नहीं आती मेरे दोस्तों ने करा दी दोस्तों ने करा दी। याद रखो आज अपने अकीदे की खैर मंगो, नमाज की कोताही माफ हो जाएगी, हज और रोजे की कोताही माफ हो जाएगी क्योंकि अमल है और बख्शे जड़िए होती बुनियाद ही अकीदे ईमान अकीदे का नाम ईमान अकीदे का नाम है। अपने तोड़े अकीदे को खराब करने वास्ते दाएं बाएं जना बंदा बीबियां घर दस के नाम से साड़ियां भैनों पटड़ी तो ला रही ने मेरी बेटियों याद रखो दर्सो दर्स नहीं रह जाता जिस दर्स में इश्क रसूल की बू ना हो जिस दर्स मेरे दोस्तों जिन मेरे नबी की गुलामी का दर ना हो जिस दर्स देना वो पहले कहो पढ़ अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह मेरिया भैन पल्ले बन ले आखो नहीं पढ़ जे ना पढ़े तो आखो ये दूजी बरादरी है ए दूजी बिरादरी है मेरे दोस्त आने करामी युद्धों में ही कसीर वजह दी भी ही कसीर अगर अरबी सुस्ता अरबी साफ अरबी शफाफ थने तजवीद दी ऐ नजर आवे ते जनाबे बंदा आखिए ए अरबी सोहनी बोलदे ईमान नाल दसो अबू ला माड़ी अरबी बोलदा सी तहजीब के लिहाज न कल्चर के लिहाज न खानदान के लिहाज न बिरादरी के लिहाज न कौम के लिहाज न माहौल के लिहाज न नानकियों के लिहाज न दादकियों के लिहाज न बचपन के लिहाज न लड़कपन के लिहाज न जवानी के लिहाज न टीचिंग के लिहाज न पढ़न के लिहाज न बहन के लिहाज न टेबल टॉप के लिहाज न पार्लीमेंटेरियन होने के लिहाज न कोई उसकी तबीयत कभी इंकबाज आया बहुत बड़ा उमदा बेहतरीन अरबी बोलना है और मैं उसकी अरबी वेखा कि बिलाल की तोतली जबान है जो दिलो भी ही कसीर हो वजह भी ही कसीर मैं ओदी अरबी बैठा या बिलाल अरबी की तोतली जबान बैठा जरा अच्छा तो अन्ना असा तो अन्ना खवे जरा सी नु शीन बोल जाए जरा स्वाद नु से बोल जाए तजवीद का ओलिया बिगाड़ दे पर रबे कमा सूरज क्यों नहीं चाड़ता आखा मैं अरबिया वालों नहीं मिलता मैं यार तेरे इश्क वालों रहता जब तक बिलाल अजान ना दे सूरज तलू ना हो सकेगा वो यारो बिलाल का खानदान वो हसब के लिहाज न नसब के लिहाज न कल्चर के लिहाज न मुख्तसर की बात करा मेरे दोस्तों ने ग्रामी ना वो अकल वेखदा ना शकल वेखदा ना वो अकल वेखदा ना शकल वेखदा तो वेखदा फरमा बरदारिया नु मेरे दोस्तों ने ग्रामी ए अकीदे खराब करने वास्ते दरसे कुरान ते पैगाम लेकिन वो दर्श कड़े कम जिद उते कुरान आए ओदे नक्श बयान करे जिद उते आए कुरान ओनु कब दे पीछे दा पता कोई नहीं ऐब होया
सीधी कर ले अल्लाह करीम जिन्हू अपने हाथ ना बनाए जी खलकता हो भी यदि मैंने तुझे अपने हाथ से बनाया खलकता हो भी यदि तेन मैं अपने हाथ ना बनाया जिंदा चेहरा बद दुआ हो और दुनिया कायनात नाराज ना होने जुमला मोहब्बत का कह देना किसी बंदे का नाम मां रखे जमील लेकिन वो जमील का बचपन कोई होता हो रुखसार अखां चेहरा रुखसारा की लाली ओठां की सुरखी वो जमील की मां की झोली चवेगा तो होर धर्म फिर वह जमील ही है पर जरा जरा बंदा बडेरा होएगा जवान फिर भी जमील है फिर जमील जी जमाल बंदा डैमेज होते आ जाएगा ऐनक ला ले जी अखां तो नजर कट गई जमील मुतासर हो गया जमाल मुतासर हो गया पूरा होके गल कर मैं उच्चा सुनना की गल है आखा मैं सुनता उच्चा ते डोरा होया ए जनाबे बंदा किल्लत निकल आई जमाल न रहा जमील न रहा ओदे नक्श निकल आया उच्चा सुने ते नक्श निकल आया आंख ना दूर ना देख सके ते जनाब का नक्श निकल आया टुर ना सके ते नक्श निकल आया दंद ना होवे ते नक्श निकल आया यार दे जे जनाबे बंदा बुलंदी ते बगैर सीढ़ी ना जा सके ते नक्श निकल आया ओ यारा मेरा करीब क्यों बच रब ने मोहम्मद के जमील मेरा मालूम मोहम्मद बार खुदाया मेरी जुबान पे ये किसका नाम आया कि मेरे नुत के बोसे मेरी जबान ने लिए यारो मेरे मुस्तफा का नाम आया ते हेठला उतला मिल गया नाराज ना होते एक बार बला कबो अल्लाह अल्लाह ओठ मिले जे ईमान नाल दसो मिले ने ते मोहम्मद दो वारी जो भी पा ली ने दो वारी जफी पाई ने रबे काबा हिकमत ही आ क्या जब मैं कला सा उदो हेठले उतले जुदा सा जब मैं सा मैनू वखा के बुत घरां विच बुत कदा बणिया सी घर ते जब मेरा माई आया ओने हेठले उतले इंज मिला छोड़े के लाशा तक घोड़े डरदे रहे आवाज अल्लाह दा दी होती रह गई है मिटा दिया मेरे साकी ने हाल में मनो तू अलामा इकबाल मिटा दिया मेरे साकी ने हाल में मनो तू पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्ला हु मेरे दोस्तों ने मेरा भी मेरे करीब दे गुलाम जब तक अकीदा सही नहीं होएगा उतनी देर तक कभी बख्शिश नहीं हो सकेगी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इलम दे हजूर दी जात दे हजूर दे खलवत दे हजूर दी जलवत दे हजूर दी सुबह दे ईमान नाल बाज़ दा मोहब्बत दा इजहार कर लो सुबह तुहानू कोई दोस्त मिलन आ जाए तुसा पजामा पाया होवे या शायद शेख वांगू लांगड़ बदी होवे ते बंदा आ जाए ते तुहानू अंदर जा के बंदा या बच्चा भाई अबू मिलने के लिए आए ते तुसा जनाब बाल बिखरे टूथपेस्ट ना कीती हो गई सच्ची दसो मिलोगे की आखोगे आखोगे बैठे भी बैठाओ मैं 5 मिनट तारी लाई कपड़े बदले कंगी कुंगी की थी शीशा वेख्या सब तुहाडा हुस्न जमाल मोहताज शीशे का मोहताज टूथपेस्ट का तुहाडे मुंह च स्मैल आती है तुहाडा हुस्न मोहताज कंगी का तुहाडा हुस्न मोहताज लिबास का ते उस जमील दी ते उस मुस्तफा दी नक्श करना है जिहदे वाल समर जानता भी बदुहा वाल बिखर जानता भी बदुहा बाल समर जानता भी मुस्तफा दंद टूट जाए ता भी मुस्तफा सौ जाए ते ता भी मुस्तफा चले ते ता भी मुस्तफा फरिश्ते होवे ते ता भी मुस्तफा हलीमा दे घर होवे ते ता भी मुस्तफा जे हलीमा दियां बकरियां खोले थले जमीन ते टुरे उते आसमान साया पिया करे उते बदन साया पिया करे जे मेरा मुस्तफा करीम जे निकले ते साबा पुछन की गल ए साबा पुछन की गल आख्या यार सुना बार बार आए छे ते घर जाना सी छतरी चुकी अमरेले कूले बड़े ने मेरे हुजूर आसे फरमान गए फिर अगे यार सुन अल्लाह बारे ते डर लगदा डाढ़ी बड़ी है यार मैं तुहानू घर छड्डा मैं तां छड्डा सभा पा कर सकते ने दिल्ली ते भाई ओ ना अपने फादर दा कपड़े सी जान कहंदे ने रब्बे मोहम्मद दी कसम है बदल मुसला धार बसता है मेरे नबी ने वेखा हाथ है इनका हाथ है इधर भी बारिश बसती है इधर भी बारिश बसती है दरमियान एक नबी ने पीछे पीछे जा रहा सी सुख
بچھائی ہوے او جتنی زمین تے بچھائی ہوے آسمان تے بچھائی ہوے او کبھی تیرے کیا ہو سکتا ہے ان کی دنیا میں ڈوب کر تاجا سراغے زندگی یارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے قران جو نقص نہ لو قران پڑھ مصطفی دی ثنا سبحان اللہ مصطفیٰ دی تعریف سمجھ کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام دے عقیدہ مضبوط رکھو جب تک حضور دی ذات دے تہاڈا عقیدہ مقدس پیٹا نہیں ہو جائے گا اور ہر لگا مخفنگڑ تہاڈے عقیدے نوں خراب کرے قطعی طور تے اس بندے دے نال اپنی لمبی چوڑی برادری میں لین دین نہیں منع کردا لیکن وہ چنگل وچ نہ ہو وہ چنگل وچ نہ ہو وہ پیا پروفیسر ہوے وہ پیا ڈاکٹر ہوے انہیں کنیاں پی ایچ ڈی کیتیاں ہوں شیطان نے کنیاں کیتیاں نہیں استاد الملائکہ نہیں سی نہیں آپس ہی بیٹھیا میں نہیں کسی دس ڈالا استاد الملائکہ سی پڑھاتا سی نا ویری 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 ایجوکیٹڈ پڑھیا 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 ہویا تسی اج کل ڈاکٹر تے پروفیسر تے جاندے ہو او بڑی ڈاکٹر ہے او درس دین آئی ہے میری بھن بھی پھسدیاں نے کہ جی او پروفیسر ہے او ڈاکٹر ہے او بڑی پڑھی ہے اوے او پاٹھ پاوے پڑھیا تے سر سبھرنا بھی سی بینڈا قومی عدالت دا جج بنیا لیکن مرزائی سی او جنگ نہیں ہے او پڑھنا کم نہیں آیا کیونکہ اودی رشتہ مصطفیٰ نال نہیں بنیا غلامی دی رشتہ وابستہ مدینہ نہیں ہویا میرے دوستاں نے گرامی شیطان صاحب نکلن لگے کی کیتا ایک سجدہ نہیں تے باہر نکلیا پچھے نماز نہیں پڑھی پڑھی ہے اللہ نو فرض لا شریک نہیں منیا ماذ اللہ اگر مننا رہے ہن بھی مننا مقام او دے بوئے تے سر رکھنے تیار اکھیا کیتا کیا کیندے نماریاں روئیے بڑے کیتے نے تعظیم نبوت نہیں کیتی تعظیم نبوت نہیں کیتی تعظیم نبوت نہ ہوے نہ نماز قبول ہوندی ہے نہ تراویح قبول ہوندی ہے نہ روزہ قبول ہوندا ہے نہ حج قبول ہوندا ہے نہ عمرہ قبول ہوندا ہے نہ زکات قبول ہوندی ہے نہ زکات قبول ہوندی ہے نہ کوئی خیرات قبول ہے تیری ہر شے تب قبول ہوے گی جدوں تیری تعظیم نبوت نبی دی تعظیم آ جائے جب تک نبی کائنات دی تعظیم دل وچ نہ پیدا ہوے قران دی عظمت دا تقاضا ہے کہ قران ہر جگہ دے اوپر ایک جملہ بہت بندہ کہہ کے بس کر دے نا کب جا من اللہ ہے یہ جی کی ہے کب جا من اللہ ہے نور و کتاب مبین کہ اللہ کریم نے اس اگے ذکر کیتا ہے نور و کتاب مبین نور و اور وا او ثابت ہے دو مختلف ہیں ایک نور ہے ایک کتاب ہے تے نور تو پہلے قد تحقیق تحقیق اللہ کریم نے پتہ سی کہ کوئی ڈنڈی مارن کے میرے نبی دے نور ہون تے فرمایا قد تے قد دا معنی تحقیق اوے نور نبی دا ذکر کرن لگا او بدبخت ہے کدھر پھس نہ جاویں کہ نبی دے ہاتھ تے پیر میرے ورگے نے میں تحقیق کیتی ہے میرا نبی نور ہے قد میں تحقیق کیتی ہے کہ میری تحقیق ثابت ہے محمد میرا نور ہے نور من نور اللہ میرے دوستاں نے گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے محمد جب تک عقیدہ درست نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک تیرے کوئی روزے تیرے کوئی زکات کوئی خیرات قبول نہیں میرے دوستو موتاد ہو جاؤ ذرا بھی سارے پہلا اور بار بار درس قران تے ڈاکٹر آج کل کئی تانو اپنی منزل تو بھٹکان واسطے لیکن امیر ملت حافظ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دوستان بیعت کرنا فرمانا مکان نہ پسند ہوئے ڈھا کے نواں بنا لیا جی کرتا کپڑے نہ چنگے ہوں تے نویں لے لیا جی نوکری نہ چنگی ہوئے ریزائن کر کے ہور لب لیا جی لیکن آج پہ پرانا عقیدہ نہ چھڑیا پرانی نماز تے پرانا عقیدہ نہ چھڑیا جی میرے دوستان نے گرامی ساڑی عقیدے نو خراب کرن لئی اے یہود دے ایجنٹ اسرائیل دے ایجنٹ نبی پاک دے گستاخ اے گستاخی دیا مشینا کرا کرا بھی پھر کے ساڑیاں بیٹیاں نو ساڑیاں پہنا نو یا درستے وہ آ کے یا درستے وہ لا کے پٹکان دیا میں جتے جا پہلے آخو پڑا سلام تو سلام یہ شیطان وہاں کو سجدے نہ لگے تھے میں سے ہوا
नमाज भी विद्या लेकिन पांच नमाजा च हर नमाज की हर हरकत और खास मुहब्बत बैतुल्ले चो इरफा तो मिनाओ मुज़दलफे चो एक जुमला जरूर नमाज कहने ए सिरात अल मुस्तकीम मैनू सीधा राह बखा खुदा है काबे च खड़े हैं अल्लाह अकबर की ओ बैतुल्ला फेरा नहीं सीधी राह ने ते सीधी राह मंगने लगे नाल पाबंदी रबते पहला ने माजल सीधी राह विखा किना दी अन अंत अलैहिम ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਹ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਦੋ ਟੋਲੇ ਬਣੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਗਾ ਚ ਮੰਗਨੇ ਅਨਮ ਤਾਲਈਹਿਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਜਿਨ ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖੈਰ ਇਨਤਾਕ ਦੂਬੇ ਅਲਈਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਖਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਗਜ਼ਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਲਈ ਅਜਮੇਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਸਾਨੀ ਵਈਏ ਬਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ ਦਾਤਾ ਲਈ ਅਜਮੇਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਸਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲਸਾਨੀ ਉਹ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁਰਾਹੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕਿਆ ਇਹ ਅਨੰਤਾ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਗੈਰ ਪਾਤੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਬੂਲਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਉਤਬਾ ਤੈਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਉਹ ਗੈਰ ਪਾਤੂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਾਮ ਕੌਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ